नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में बात करेंगे साखरोव प्राइस की, जो 2022 में मिला यूक्रेन के लोगों को। अभी हाल ही में आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। इसके ऊपर मैंने ऑल डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि इस युद्ध के क्या कारण हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ऑब्वियसली किसके साथ हैं, यूक्रेन के साथ हैं। तो इस बार का जो साखरोव प्राइज़ है ये यूक्रेन के लोगों को मिला, तो यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव हैं। पहला तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव जो इसको अच्छा मानता है, और एक फिर रशियन पर्सपेक्टिव जो इसको प्रोवोकेशन की तरह देख रहा है। तो इसलिए हम इस वीडियो में इन सारे के सारे पहलुओं को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे साखरोव प्राइज है क्या, ये यूक्रेन के लोगों को क्यों मिला, इससे पहले ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को मिला है, साखरोव प्राइज की हिस्ट्री क्या है, किस व्यक्ति के नाम पर यह रखा गया, और फिर हम देखेंगे कि इसका क्रिटिसिज्म क्या है। तो ये काफ़ी होलिस्टिक वीडियो होने वाली है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। देखिए 2022 का साखरोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट ये मिला यूक्रेन के लोगों को, जिनको रिप्रेजेंट करेंगे उनके प्रेसिडेंट, उनके इलेक्टेड लीडर्स और सिविल सोसाइटी। अब ये यूक्रेन के लोगों को क्यों मिला, क्योंकि जो ब्रेवरी उन्होंने दिखाई है रशियन इन्वेजन के दौरान, उसके लिए, उसके साथ जो उनका रोल रहा डिफेंड करने के लिए फ्रीडम, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और यूरोपियन वैल्यूज को, तो यूक्रेन के लोगों ने जो ब्रेवरी दिखाई है, जो उनका रोल है फ्रीडम, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और यूरोपियन वैल्यूज को डिफेंड करने के लिए, इसकी वजह से उन्हें 2022 का साखरोव प्राइज मिला है। और अभी ये प्राइज सिर्फ और सिर्फ अनाउंस हुआ है, ये पुरस्कार उन्हें मिलेगा 14 दिसंबर को स्टार्सबर्ग में। साखरोव प्राइज में मिलता क्या है, साखरोव प्राइज में प्राइज मनी मिलती है 50,000 यूरोज की। अब ये जो पैसा होगा ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा यूक्रेनियन सिविल सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में। इससे पहले अगर हम बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनको साखरोव प्राइज मिला है, तो उसमें सबसे पहले आते हैं साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला जी, जिनको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी हर एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने महात्मा गांधी जी से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को एक अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक अलग वीडियो में आपको पूरा का पूरा बताया है कि अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है, सीमांत का गांधी किसे कहा जाता है, श्रीलंका का गांधी किसे कहा जाता है। तो इस प्रकार के डायरेक्ट जीके क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, ये स्टैटिक जीके है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको तीन वीडियोस के लिंक दूंगा महात्मा गांधी जी से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहले आते हैं महात्मा गांधी जी से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दूसरा आता है कि गांधी जी के उपनाम से कौन कौन जाने जाते थे, जैसे कि अफ्रीका का गांधी, नेल्सन मंडेला और बाकी सब, और फिर आता है महात्मा गांधी जी के निकनेम, जैसे कि महात्मा गांधी जी को मलंग बाबा किसने कहा, महात्मा गांधी जी को मिक्की माउस किसने कहा। ये भी मैंने सारे एक अलग वीडियो में कवर किए हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ये तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रशिया और यूक्रेन के वॉर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन पहले एक ही सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे। 1991 में ये अलग हुआ, सोवियत यूनियन टूटा, यूक्रेन और रशिया अलग हो गए, यूक्रेन इंडिपेंडेंट देश बन गया। सोवियत यूनियन से रिलेटेड भी सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, साखरोव प्राइज खबरों में है, यूक्रेन खबरों में है, तो इसलिए यूएसएसआर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार जरूर चेक करिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और महात्मा गांधी तो कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप में से पहले किसी ने एग्ज़ाम दिए होंगे तो वो सब खुद ही जानते होंगे। तो चलिए दोबारा अपनी वीडियो पर आते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिन्हें साखरोव प्राइज मिला और जो आपको याद होने चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, वो हैं साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, जिन्हें अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है, फिर पाकिस्तानी एजुकेशन एक्टिविस्ट मलाला यूसुफ जई, फिर आंग सान सू की, जो कि म्यांमार की लीडर हैं। आप सब जानते हैं कि म्यांमार में इस समय मिलिट्री जनता का राज है, मिलिट्री कू वहां पर हुआ और उसके बाद से सारे के सारे लीडर्स को ओस्ट कर दिया गया, और जो आंग सान सू की हैं इन्हें इस समय जेल में डाला गया है और इस समय मिलिट्री जनता का रोल है। आंग सान सू की एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि सारी उम्र इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए और लोकतंत्र म्यांमार में लाने के लिए एक काफ़ी बड़ा संघर्ष किया।
अंत में वो सक्सेसफुल भी हुई लेकिन काफ़ी कम समय के लिए, और दोबारा वहाँ पे मिलिट्री को आया। और जैसा मैंने कहा कि इस समय मिलिट्री जनता का रूल है, तो ओंग सान सू की इन्हें भी ये पुरस्कार मिला है, और इसके साथ तस्लीमा नसरीन को भी ये पुरस्कार मिला है। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश में रहा करती थी, और इनकी जो थॉट्स थी महिलाओं को लेके या रिलीजन को लेके, वो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, खासकर जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, और उन्होंने इन पर हमला भी किया, और जिसकी वजह से अपनी जान बचाने के लिए इन्हें वहाँ से भागना पड़ा था। तो तस्लीमा नसरीन जी को भी सैखरोफ प्राइज मिला है। देखिए, इस प्राइज़ को इस्टेब्लिश किया गया था दिसंबर 1988 में यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राइज़ एक छोटे मोटे किसी व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं दिया जाता है, ये यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है, इसलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना आपने कि सैखरोफ प्राइज़ को दिसंबर 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा। सबसे पहला पुरस्कार जो ये मिला था वो मिला था नेल्सन मंडेला, अफ्रीकन गांधी को, और एनाटली मर्चेंको को। तो सबसे पहले जो विनर थे इस अवार्ड के वो थे नेल्सन मंडेला जी और एनाटली मर्चेंको। अब ये जो सैखरोफ प्राइज़ फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट है, ये किसे दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा? देखिए, ये पुरस्कार या तो एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप को दिया जाएगा हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ डिफेंडिंग ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। एक ऐसे व्यक्ति या एक ऐसा ग्रुप जिन्होंने अपने पूरे के पूरा जीवन डेडिकेट कर दिया ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करने के लिए, और जो फ्रीडम ऑफ थॉट है, जो सोचने का फ्रीडम है, अपनी बात को, अपनी थॉट्स को सोचने का, रखने का फ्रीडम है, आज़ादी है, उसे डिफेंड करने के लिए जो लोग अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी डेडिकेट कर देते हैं, उन इंडिविजुअल यानी किसी एक व्यक्ति को या फिर ग्रुप को ये पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए, सैखरोफ प्राइज़ ये नाम कहाँ से आया? सैखरोफ प्राइज़ एंड्री सैखरोफ के नाम पर रखा गया है। कौन थे ये एंड्री सैखरोफ? एंड्री सैखरोफ सोवियत न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। इन्होंने अपने जीवन में एडवोकेट किया न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट को, यानी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, स्टॉक पाइल है, उसको ख़त्म किया जाए, फिर पीस को और ह्यूमन राइट्स को। तो इन तीनों को इन्होंने अपने जीवन में एडवोकेट किया था। इन्हें क्रेडिट दिया जाता है USSR थर्मल न्यूक्लियर वेपन को डिज़ाइन करने का। तो USSR यानी सोवियत यूनियन, इसके ऊपर सारे इंपॉर्टेंट जेके फैक्ट्स मैंने कवर किए हैं, आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो USSR का जो थर्मल न्यूक्लियर वेपन है उसको डिज़ाइन करने का क्रेडिट भी एंटी सैखरोफ को दिया जाता है। लेकिन इन्होंने सोवियत यूनियन में सिविल लिबर्टीज़ और सिविल रिफॉर्म्स की बात करी थी, जिसके वजह से इन्हें स्टेट प्रोसिक्यूशन को भी फेस करना पड़ा। परसिक्यूशन इसका क्या मतलब होता है? देखिए, सिस्टमेटिक मिसट्रीटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप बाय अनदर इंडिविजुअल और ग्रुप। तो एक इंडिविजुअल इंसान है या फिर एक ग्रुप है, उसकी सिस्टमेटिक मिसट्रीटमेंट होती है किसी भी दूसरे इंडिविजुअल या ग्रुप के द्वारा। और मुख्यतः जो मिसट्रीटमेंट करेगा वो कौन इंडिविजुअल या ग्रुप होगा? तो ये गवर्नमेंट ही होगी, क्योंकि ऑब्वियसली सिस्टमेटिक मिसट्रीटमेंट जो है वो गवर्नमेंट या जो एक्चुअल में जिसके पास पावर है, पावरफुल इंसान है, पावरफुल अथॉरिटी है, वही कर सकता है। तो फिर सिस्टमेटिक मिसस्टेटमेंट जो है उसको कहा जाता है परसिक्यूशन। अब देखिए, सोवियत यूनियन क्योंकि एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो काफ़ी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, है ना, इनमें हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पे अगर जो अथॉरिटी, जो लीडर है, उसके खिलाफ अगर कोई भी बोलता है तो क्या होता है, तो उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाता है और काफ़ी अत्याचार उनके ऊपर किया जाता है। चाइना के बतेरे एग्जांपल्स हम देखते हैं, रशिया के बतेरे एग्जांपल्स हम देखते हैं, नॉर्थ कोरिया का तो पता ही नहीं चलता, वहाँ पर तो मीडिया को अलो ही नहीं किया जाता है, जो इंटरनेशनल मीडिया है। तो क्योंकि एक कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन में उन्होंने सिविल लिबर्टीज़ की बात करी, सिविल रिफॉर्म्स की बात करी, ये कारण था कि उन्हें अपने जीवन में स्टेट प्रोसिक्यूशन का सामना भी करना पड़ा था। इसके साथ साथ एंड्री सैखरोव ने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को भी अपोज किया था। देखिए, प्रोलिफरेशन क्या मतलब होता है? संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी करना। तो न्यूक्लियर वेपन्स या जो स्टॉक पाइल है उसकी संख्या में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी करने को भी इन्होंने अपोज किया था। क्यों? अब देखिए, मान लो एक देश है, ये देश है, अभी यहाँ पे क्या पता आज से 5 साल 10 साल के बाद कौन सा लीडर, कैसा बंदा आ जाए, कैसा लीडर आ जाए, समझ रहे हो? अब जैसे आज के केस में नॉर्थ कोरिया है, तो नॉर्थ कोरिया का लीडर तो सन की है, अब उसको अगर ज़रा सा लगे कि भाई अब ठोक देना चाहिए तो बोले से उसको क्या है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग मरेंगे, क्या होगा, वो क्या करेगा सीधे वो कि चलाओ जी बम जला दो, और बड़े बड़े वेपन जो उसने रखे हैं, सारे देश तबाह हो जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगी, आधे ज़्यादा दुनिया तबाह हो जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात को?
कितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा वो अलग, उसके न्यूक्लियर अगर वॉर हो गया तो उससे जो रेज जो हार्मफुल होंगी वो अलग, और जो जान मान का नुकसान होगा वो तो होगा ही होगा। तो इसलिए न्यूक्लियर प्रोलिफ्रेशन बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, और जितने भी समझदार या पीस लविंग लोग आए उन्होंने इसको अपोज ही किया है, क्योंकि न जाने कैसा कोई मानसिकता वाला व्यक्ति कब आ जाए और कब ये जो दुनिया है जो शांति से अपना खा कमा रही है उसमें ताबड़तोड़ हमले करके उसका जो पीस है उसको ख़त्म किया जाए। तो इन्होंने भी अपने जीवन में न्यूक्लियर प्रोलिफ्रेशन जो है यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी को अपोज किया था। इसके साथ साथ उन्होंने जो एटमॉस्फेरिक टेस्ट होते हैं वेपन्स के या है ना न्यूक्लियर वेपन्स के या बाकी वेपन्स के, तो उनके भी ख़त्म करने की बात करी थी, क्योंकि इससे क्या होगा आपको पता है हार्मफुल गैसेज आती हैं तो फिर पॉल्यूशन होता है। कई कई बार तो इतने स्ट्रॉन्ग वेपन्स का टेस्ट किया जाता है कि वहाँ पर आसपास के एरियाज में भूकंप भी आ जाता है, सुनामियाँ आ जाती हैं। तो इसलिए भी उन्होंने एटमॉस्फेरिक टेस्ट को एंड करने की बात करी थी। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी को बनाने में, क्रिएट करने में, जिसको इवेंचुअली 1963 में मॉस्को में साइन किया गया था। तो ये एंड्री सेकेरोव का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ने एंड्री सेकेरोव जी के नाम पे सेकेरोव प्राइज को रखा था, जो कि ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ थॉट्स को जो डिफेंड करने के लिए लोग या ग्रुप्स अपनी लाइफ डेडिकेट करते हैं उन्हें दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर इसका क्रिटिसिज्म आता है। देखिए, सबसे पहले तो हर एक चीज़ के काफ़ी पर्सपेक्टिव होते हैं। यहाँ पर हमने एक तो देख लिया जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का पर्सपेक्टिव, कि देखो जी एंड्री सेखरोव ने बड़ा अच्छा अच्छा काम किया इसलिए हमने उनके नाम के ऊपर एक अवार्ड रख दिया। फिर हमने ये अवार्ड जो है वो यूक्रेन के लोगों को दे दिया क्योंकि उन्होंने बड़ी ज़्यादा ब्रेवरी दिखाई। लेकिन अब यहाँ पर एक रशिया का पर्सपेक्टिव आएगा जो कि इसको क्रिटिसाइज़ करेगा। तो क्योंकि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की जब हम तैयारी करते हैं तो हमें ओवरऑल हर पर्सपेक्टिव को समझना ज़रूरी है, ताकि किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो हमसे ना छूटे, और जो एक कंसेप्ट है उसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि हम उसमें आंसर राइटिंग भी कर पाएँ। तो इसलिए हमें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव देखना ज़रूरी है। पॉजिटिव हमने अभी तक देख लिया, अब हम इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं। सबसे पहले तो अवार्ड इटसेल्फ, अब मैंने आपको बताया कि ये पुरस्कार एंड्री सेखेरोव के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सोवियत यूनियन में सिविल लिबर्टीज, सिविल रिफॉर्म्स की बात करी, जिन्होंने सोवियत यूनियन को क्रिटिसाइज़ किया। अब सोवियत यूनियन को क्रिटिसाइज़ करने का मतलब है कि उन्होंने आज की जो रशिया की विचारधारा है उस विचारधारा को क्रिटिसाइज़ किया। तो जब आपने इस व्यक्ति के नाम के ऊपर एक अवार्ड रख दिया तो वो रशिया ऐसा मानेगा कि ये क्या है, ये एंटी रशियन है, क्योंकि पुतिन का तो कहना है कि हम तो दोबारा सोवियत यूनियन बनाएंगे। अभी जैसे आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन का वॉर के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि एक्चुअल में इसका एम क्या है। ये सब तो एक झांकी है कि चलो हम थोड़े एरियाज ले लेते हैं, जैसे पहले क्रीमिया एनेक्स किया गया है ना, फिर उस प्रकार से अब यूक्रेन के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जो एम है इसका वो क्या है, दोबारा वो सोवियत यूनियन बनाया जाना। तो फिर रशिया या फिर उसके जो सहयोगी देश हैं, जो प्रो रशियन कंट्रीज हैं, वो इस प्राइस को क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आपने इस व्यक्ति के नाम के ऊपर ये प्राइस का नाम क्यों रखा। दूसरा आता है यूक्रेन। अब इस बार जो पीपल्स हैं, लोग हैं यूक्रेन के, उन्हें ये पुरस्कार दिया गया, तो ये भी एक रशिया के खिलाफ कही गई या करा गया काम माना जा रहा है। ये रशिया को प्रोवोक करने की बात करी जा रही है, ऐसा कुछ प्रो रशियंस का कहना है कि आपने यूक्रेन के लोगों को क्यों दिया, क्योंकि यूक्रेन बोल रहा था कि मेरे को जाना है नाटो में और नाटो को हम अपने बॉर्डर्स पर नहीं ला सकते, हमने तो इसलिए युद्ध किया, समझ रहे हो। तो आपने यूक्रेन को बजाय इसके कि आप उसको ये समझाएं कि आप नाटो में जाने की जिद छोड़ दो, आप कह रहे हो कि हम इनको अवार्ड देंगे, तो इसका क्या लॉजिक बनता है, ये बिल्कुल हमारे खिलाफ है। तो ये कौन कह रहा है, मतलब एक रशियन पर्सपेक्टिव है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके साथ जुड़ी है कि इससे पहले ये पुरस्कार रशियन ओपोजिशन लीडर एलेक्सेई नेवलनी को मिला है, जो कि इस समय इम्प्रिजेंट हैं। तो देखिए, रशिया के ये इम्प्रिजेंट का मतलब होता है जेल में बंदी,
राइट। तो रशिया के ये ओपोजिशन लीडर हैं जिन्होंने वहाँ की जो रिजीम है उसको क्रिटिसाइज़ किया और जिसकी वजह से उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया गया, जैसे कि मुख्यतः हमें कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहे वो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हों या फिर वो सऊदी अरेबिया या बाकी इस प्रकार की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये भी रशिया के ओपोजिशन लीडर को जब ये पुरस्कार दिया तो वो भी इस समय की जो रिजीम है रशिया की कम्युनिस्ट रिजीम उसकी आंखों में खटका कि आपने इस व्यक्ति को ये पुरस्कार क्यों दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि ये जो पुरस्कार है ये एंटी रशिया है, या फिर ऐसा कहिए कि ये मुख्यतः उन लोगों को दिया जाता है जो रशियन रिजीम के खिलाफ या तो बोलें या लड़ें या काम करें, राइट। तो अब इसमें आप किसके पक्ष और विपक्ष में होंगे ये आपकी अपनी मर्जी है, मेरा फ़र्ज़ था आपको होलिस्टिक एनालिसिस देना तो इसलिए मैंने वो दे दिया। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जितने भी मैंने वीडियोस बताई हैं उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जीके वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।